हम अपनी परिस्थिति और प्राथमिकता और जो हमारी कमिटमेंट्स होती हैं उससे लेकर हम कितने गंभीर होते हैं, क्योंकि हम सबके बीच में हम सबके साथ ये चीज़ें घटती हैं, क्योंकि हम हमेशा ये चीज़ें करते हैं तो परिणाम के बारे में भी सोचते हैं हमेशा कि इसका परिणाम क्या होगा, या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। कभी हम शायद ये नहीं सोचते कि आज हम जो हैं शायद हमने पहले इसे बोया है, या हमने पहले जो किया है आज हम उसे काट रहे हैं, या हम आज जो भी कर रहे हैं हम अब इससे पास्ट हमने जो किया है हम उसका नतीजा है आज हम। तो हमें वक्त के साथ अपनी प्राथमिकताओं को बदलना चाहिए, परिस्थितियों के साथ हमें अपने फैसले भी बदलने चाहिए, अपने आप को बदलना चाहिए, और आज हम जो करेंगे वही हम अपने फ्यूचर को अपना फ्यूचर को सुरक्षित बनाएगा हमारे फ्यूचर को। तो हम फ्यूचर के बारे में न सोचकर अगर अपने वर्तमान को अच्छा बनाएं तो हम बहुत अच्छा हमारे लिए होगा। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा, तो मैं आपको इसके लिए महाभारत काल में ले जाना चाहूँगा। बहुत लोग जानते भी होंगे नहीं भी जानते होंगे, पितामह भीष्म के बारे में जानते होंगे बहुत सारे लोग, धृतराष्ट्र के बारे में जानते होंगे और अर्जुन के बारे में भी जानते होंगे। पितामह भीष्म ने अपने फादर की खुशियों के लिए ऐसी प्रतिज्ञा की जिससे हस्तिनापुर जैसा साम्राज्य, शक्तिशाली साम्राज्य जिसको कहते थे कि स्वर्ग के इंद्र भी उससे लड़ने को तैयार नहीं होते थे, उन्होंने उस जैसे साम्राज्य के पतन का जो आधार था वो रखा गया। इसके बाद धृतराष्ट्र जब आए तो धृतराष्ट्र ने अपने बेटे के लिए हस्तिनापुर को दाव पे लगा दिया, और आखिरकार बेटे को भी कुछ नहीं मिला और बेटे की दाव पे भी उन्होंने अपने बेटे की जान को भी उन्होंने दाव पे लगा दिया। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हम कर रहे हैं हमें अपने जो हमें मिलना चाहिए, जो हमें मिल रहा है, या हमें जिस चीज़ की उम्मीद है उसे हमें कभी टालना नहीं चाहिए। अगर हमें लगता है कि इस ये चीज़ें हमें कर लेनी चाहिए, हमारे सामने हैं ये चीज़ें, हमें हमें कुछ फ़ायदा हो उससे, तो हमें कर लेनी चाहिए, उस वक्त वक्त के साथ बदल लेना चाहिए। अर्जुन के बारे में कहा जाता है कि बहुत बड़ा धनुर्धर था, तो जब वनवास हुआ अर्जुन को, जब पांडवों को वनवास हुआ, तो उस वनवास के टाइम पे अर्जुन के साथ ये हुआ कि अब हम 14 साल करें क्या। तो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई आप इसे वेस्ट ना करो, 14 साल को आप स्वर्ग जाओ और वहाँ पे जा करके आप दिव्यास्त्र इकट्ठा करो, और दिव्यास्त्र के लिए आपको पहले इंद्र को प्रसन्न करना होगा, इंद्र की तपस्या कीजिए और इंद्र जब प्रसन्न होंगे तभी आपको दिव्यास्त्र मिलेगा। उन्होंने इंद्र की तपस्या की, इंद्र खुश हुए, आए, उन्होंने कहा मांगो, तो उन्होंने कहा कि हमें दिव्यास्त्र चाहिए। तो बोले कि दिव्यास्त्र तो ऐसे मिलता नहीं है, आपको पहले भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा और जब वो प्रसन्न होंगे तभी आपको दिव्यास्त्र मिलेगा, क्योंकि उन्हीं के पास वो पशु पदार्थ है जो आपको स्वर्ग तक ले जाएगा। तो अर्जुन ने भगवान शिव की तपस्या की और अर्जुन स्वर्ग तक पहुँचे, और जब उन्होंने काफ़ी दिनों तक, काफ़ी सालों तक रह के सारे दिव्यास्त्र इकट्ठे कर लिए, चलाना सीख लिया, सारे प्रशिक्षण पूरे हो गए, तो वो इंद्र के पास आज्ञा लेने के लिए गए कि अब मैं लौटना चाहता हूँ धरती पर। तो इंद्र ने गंधर्व को बुलाया और उनसे कहा कि नहीं, अभी तुम्हारी एक शिक्षा अधूरी है। तो उन्होंने कहा कि कैसी शिक्षा अधूरी है? उन्होंने बताया कि अभी तुम्हें इनके साथ प्रशिक्षण लेना है। तो वो समझ गए, उन्होंने कहा कि लेकिन मैं एक क्षत्रिय हूँ, मेरा काम है शस्त्र चलाना, मेरा काम है लोगों की रक्षा करना, मैं ये नाच गाने सीख कर क्या करूँगा। तो इंद्र ने उन्हें समझाया कि आज आप जो भी है, जो भी कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा आपको नहीं पता है, इसलिए आपको अगर मैं कुछ ऑफर कर रहा हूँ आज तो आपके भले के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपका ज्येष्ठ भी हूँ, आपसे श्रेष्ठ भी हूँ। तो अर्जुन मान गए और उन्होंने फिर डांस की शिक्षा ली, और फिर आप सबको पता है कि वो डांस उनके किस काम आया। अज्ञातवास के टाइम पे आपको पता है कि उन्होंने एक साल तक विराट राज्य की जो राजकुमारी थी उन्हें डांस सिखाया था उन्होंने। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो परिस्थितियाँ हैं उसके मुताबिक हमारी कमिटमेंट्स और हमारी प्राथमिकताएं दोनों बदलनी चाहिए, परिणाम अपने आप आएंगे। हम अपना वर्तमान सुधारेंगे तो भविष्य सुरक्षित होगा। भीष्म ने परिस्थितियों के मुताबिक अपनी प्रतिबद्धता नहीं बदली, अपने कमिटमेंट्स नहीं बदले, और उन्होंने
जिसकी रिक्वेस्ट भगवान कृष्ण ने भी की थी कि आपको वक्त के मुताबिक काम करना था, अपनी प्रतिज्ञा तो होनी चाहिए थी आपको, जब आपको पता है कि राज्य आपका इस तरह डूबने वाला है। और धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को आगे राज्य दिलाने के लिए पूरे हस्तिनापुर को दाव पर लगा दिया कि नहीं, मेरा बेटा ही राज्य करेगा, पांडवों का राज हड़प लिया। तो कुल मिला के मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ आज की चिंता करें, आप जितना सुंदर वर्तमान बनाएंगे भविष्य आपका उतना सुंदर होगा। भविष्य में आपके कुछ नहीं लिखा है, बड़े बड़े शेयर मार्केट में लोग लाखों रुपए लगाते हैं, कल को लुढ़क जाता है, लोग सड़क पर आ जाते हैं, भविष्य आपका कुछ नहीं, कोई कुछ चीज़ सुरक्षित नहीं है। इसलिए आप सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दें, वर्तमान सुरक्षित बनाएं, वर्तमान को संजोएं, भविष्य अपने आप सुरक्षित हो जाएगा।